don't want to give any message to everybody. Admit. Okay guys, I think we have a message. रात की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, 9-9 की एनर्जी है. स्लीप वेल गाइज टू नाइट, और मे बी टमोरो इज़ अ न्यू डे. मैं यहाँ से एंजल आंसर से एक मैसेज निकाल देती हूँ, वट ही वॉन्ट्स अस टू नो, बिकॉज ओके लेट्स सी शन वट यू वॉन्ट टू से, वट यू वॉन्ट अस टू नो. What do you want us to know? Okay, let's see what the perfect timing. And it says choose a new direction, ask your angels. So it looks like there is perfect timing for a new direction, new angle to come. और जिनसो भी उनको पूछना था, confirmations चाहिए थी, वो हो चुकी हैं. और it is perfect time for some kind of action. Yes, don't stop. So let's see if we get something else. Okay, we got it. Within the next few weeks, reconsider a year from now, in the near future, wait, get more information. So this is basically saying that mere khayal se right time aa gaya hai aur action shuru ho jayega. With that action, next few weeks mein bahut kuch hoga and you will have to reconsider jo aap sochte rehte ho, jo aapne socha hai, jo aapki thoughts hain, aapko reconsider karna padega. And when you reconsider your choices in a year from now, in the near future, aapka intezar jo hai khatam hoga and you will have much more information than what you have right now. So it looks like the time is coming जहाँ पे within no time, मतलब within no time action शुरू होगा. और जो energies हैं, जो उस action की impact है, 2-2 की energy सी, जो सेक्शन का इम्पैक्ट है वो आपको दिखेगा. एंड यू विल हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स जिनके बारे में आपको अभी इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी. ओके, सो यू सी किस तरह से मूछें जो हैं वो चाबी, मूछों में चाबी उलझी हुई है और प्रोटेक्शन उलझी हुई है. किसी की ताव में, किसी की अड़ी में, किसी की तड़ी में एक तरह से यूनिवर्स एनर्जीज, चाबियां जो हैं वो उलझी पड़ी थी. और यहाँ पे इमोशनल एनर्जी भी है क्योंकि फ़िश की एनर्जी है, लेकिन फ़िश को आपको बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है फ़िश पकड़ने के लिए. वो लेकर फ़िश का जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो आपको वो स्टिक लेकर बहुत समय तक बैठना पड़ता है. और फिर कहीं जाके फ़िश जो है वो फंसती है. एंड वंस दैट फ़िश इज़ इन द हुक, तो उसके बाद आई थिंक देर इज़ गोइंग टू बी बिग रिवेलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द एनर्जी ऑफ एक्शन. और वो फिश जो है उसने अपनी मूछों में प्रोटेक्शन भी रखी है, मतलब अपनी पावर के अंडर प्रोटेक्शन भी रखी है और चाबी भी रखी है. इट इज़ लाइक वो हुक जो है वो फिश को लग चुकी है. और हुक फिश के मुंह में जब लग जाती है, उसके बाद देर इज़ नो, ओ गॉड, कहाँ काट जाके ऊपर चढ़ा. उसके बाद देर इज़ नो वे दैट द फिश कैन एस्केप. और वो एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. हियर वी सी क्वीन ऑफ Swords. यहाँ पे वी सी द मैजिशियन, द डेविल, द एम्प्रेस, सारी एनर्जीज जो हैं, आई कैन सी हिम ऑल्सो, सारी एनर्जीज जो हैं वो एक तरह से एक साथ फ्लो हुई हैं. और यू कैन सी डेथ, कम्युनिकेशन, हैप्पीनेस, जस्टिस, विश फुलफिलमेंट, कम्प्लीशन एंड इल्यूजन्स रिमूव्ड, ऑल इल्यूजन रिमूव्ड. तो मुझे ऐसा लगता है कि इल्यूजन से कम्प्लीशन, विश फुलफिलमेंट, जस्टिस, होम कमिंग एंड देन डेथ से रीबर्थ की एनर्जी, इट इज़ ऑल कमिंग. एंड ही सेइंग दैट स्लीप वेल टू नाइट, और प्रॉपर टाइम एक्शन शुरू हो गया है. विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड इन द नियर फ्यूचर एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आपके पास होंगे. आपको सारी कहानी जो है वो पता लग जाएगी. बी असर्टिव एंड डोंट स्टॉप. सो यस, कंटिन्यू योर जर्नी एंड थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.